नोट भी कर सकते हैं बीमार। आइए देखते हैं कि नोट हमें किस प्रकार बीमार कर रहे हैं। वर्तमान समय हम देखते हैं कि लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण कि बीमारियों का इलाज बहुत महंगा होना। आज हम देखते हैं कि हमारे परिवार के किसी एक सदस्य की बीमारी में कभी कभी हमारे पूरे परिवार के जीवन काल की बचत पूंजी भी समाप्त हो जाती है, परंतु बीमारी पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे में ऐसे हर एक उपाय किया जाना अति आवश्यक है, जिससे हमारा घर, परिवार, समाज और देश बीमारियों से बच सके। स्वास्थ्य की दृष्टि से हम हमेशा सुनते रहे हैं कि स्वस्थ से आने के बाद हमें हाथ धोना चाहिए, नहीं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। परंतु कभी ये नहीं सुना कि स्वस्थ नोट या नोटों के बंडल गिरने के बाद भी हमें हाथ धोने चाहिए, नहीं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक संक्रामक बीमारियां हाथों के द्वारा छूने से, वायु के द्वारा श्वसन से व गंदे वस्तुओं के उपयोग से फैलती है। हम यह भी जानते हैं कि हमारा रक्त कहाँ कहाँ से होकर आता है, जैसे मीट मटन की दुकान, सब्जी बाजार, पान ठेला, शराब दुकान, मेडिकल स्टोर्स, ऐसे संक्रामक जगहों से, जैसे कि हॉस्पिटल, जहाँ अनेक संक्रामक बीमारियाँ फैली हुई होती हैं, से होते हुए लगभग 10,000 लोगों के हाथों से होते हुए हमारे जेब में आता है, जो ऐसे हाथों से भी होकर आया हुआ होता है जो अनेक संक्रामक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, जहाँ अनेक संक्रमण फैला हुआ होते हैं। कई नोट कीचड़ किए हुए होते हैं, उसे भी उठाया जाता है। सड़े गले सब्जियों से सने हाथों से संक्रमित होते हुए हमारे पास आता है। पर आपने देखा होगा, जब भी कोई सामान्य व्यक्ति अपने घर या ऑफिस में पैसों की काउंटिंग करता है, तो बीच बीच में अपना हाथ अपने मुंह में ले जाता है, जिससे वो थूक लगा के पैसों की काउंटिंग करता है, जिससे कि जो नोट चिपके हुए होते हैं उसे आसानी से निकाला जा सके। थूक लगा के गिनने से शॉर्ट टर्म मेडिसिनल सिक्वेंसी अप्रोच है, जिससे कि जो नोटों में जीवाणु में सनों चिपके हुए होते हैं वो हमारे बॉडी में प्रवेश कराते हैं। इस टेक्निक के माध्यम से हमें यह पता चला कि उसमें 78 प्रकार के रोगाणु व 18 प्रकार के ऐसे जीन पाए जाते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त कर देते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ही समाप्त कर देते हैं। तो सोचिए, अगर हम प्रतिदिन ऐसे ही करते जाएँ तो जो जितने भी जीवाणु में सनों हमारे बॉडी में प्रवेश करते जाएंगे, हमारा बॉडी एक बीमारियों का घर बन जाएगा। अगला हमारा, हम अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार देखते हैं कि जब भी हम किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं, तो उस घर के छोटों को सामान स्वरूप 10-20-50 किलो पपी खाने के लिए या चॉकलेट पपी के लिए देते हैं। जैसे ही वह नोट छोटे से बच्चे के हाथ में आता है, वह सीधे उस नोट को अपने मुंह में ले जाता है, जिससे कि नोट सीधे उस बच्चे के मुंह में प्रवेश कर जाते हैं। सोचिए, इतना गंदा और प्रदूषित नोट जब वो छोटे से बच्चे के मुंह में जाएगा, तो कितनी सारी बीमारियां सीधे उसके शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। इसके अलावा जब भी हम कभी गुपचुप ठेला या फिर दुकान जाते हैं, तो जब भी हम कहीं जाते हैं, तो फिर पहले इंसान दुकान वाले पहले पैसा मांगता है, तो हम उसी हाथ से पैसा देते हैं। उसके बाद बिना हाथ वॉश किए उसी हाथ से हम गुपचुप वगैरह को खाते हैं, जिससे उस नोट को पसंद जाने से हमारे हाथ में होते हैं, हाथ से फिर डायरेक्टली मुँह में चले जाते हैं। और जैसे कि मंदिर, हम कभी मंदिर वगैरह जाते हैं, तो अपने अपने आस्था के अनुसार वहाँ दान पेटी में दान करते हैं, फिर उसी हाथ से प्रसाद लेकर ग्रहण करते हैं, जिससे कि अनेक जो उस पर जीवाणु समय चुके हुए होते हैं हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। सभी कहते हैं, आज के डेट में हम सुनते हैं, सभी लोग कहते हैं कि बाहर का चीज़ या बाहर का सामान खाने से लोग बीमार होते हैं। हाँ, ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर की ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने से तबियत खराब होता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि जिस हाथ से हम पैसा देते हैं उसको हम बिना मास्क करें उस चीज़ को खा लेते हैं, इस वजह से हमारा तबियत खराब होता है। इसलिए लोगों में इस बात की जागरूकता लाना अति आवश्यक है। सर, हमारे समूह द्वारा अमनपुर शहर, बिरोदा नायक मन्ना, सातपरा, अटल आवास, गुटिया डी आदि जगहों में जाके हमने सभी वर्गों के लोगों से मुलाकात किया तथा जैसे व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, अधिक उम्र के लोग, कम उम्र के लोग, अनपढ़ लोग, सब्जी दुकान, मीट मटन दुकान, दूध वाले, चाय दुकान वाले, इन सभी लोगों से मिलकर हमने प्रश्नावली द्वारा जानकारी एकत्र की। साथ ही उन सभी लोगों को इसलिए हमने शामिल किया गया है ताकि आग्रह सही प्राप्त हो सके। जानकारी एकत्रित करने के साथ ही साथ हमने समस्या के समाधान के लिए 3 विकल्प भी दिए तथा लोगों से यह जानना चाहा कि लोगों को कौन से विकल्प सबसे अच्छा और सरल मान रहे हैं। समस्या के समाधान के लिए हमने समस्या के समाधान के लिए जैसे नोट से फैलने वाली बीमारी को रोकने के लिए निम्न विकल्प है। पहला प्लास्टिक नोट जो वॉशेबल हो, दूसरा विशिष्ट विकल्प, और तीसरा है ऑनलाइन पेमेंट, कैश ट्रांजेक्शन, नोट बैंकिंग, इसका अधिक से अधिक उपयोग करें। साथ ही उन सभी लोग से हमने विशेष निवेदन किया है कि अब जब भी भविष्य में आप अगर नोट के बंडल गिर रहे हो या नोट गिर रहे हो, तो पानी का उपयोग करें।
और इस मतलब की इस बात को अधिक से अधिक फैलाए और देश को स्वच्छ भारत बनाने में अपना योगदान। हमने लगभग 150 लोगों के ऊपर सर्वे किया व 100 लोगों को लेकर ये आंकड़ा तैयार किया। इसपे 11 क्वेश्चन थे जिसपे कुछ इस प्रकार है, जैसे कि क्या नोट से बीमारी फैल सकती है, तो 12% लोगों ने कहा और 88% लोग बोल रहे हैं कि नहीं फैल सकती। फिर अगला क्वेश्चन था, संक्रामक बीमारियाँ हाथों से छूने और हवा के माध्यम से भी फैलती है, क्या आपको पता है? तो फिर 76% लोग बोलते हैं हाँ और 24 लोग बोल रहे हैं नहीं। फिर हमने क्वेश्चन किया कि क्या आप शौचालय से आने के बाद हाथ धोते हैं, तो 97% लोग बोल रहे हाँ करके और 3% लोग अभी भी नहीं बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन था, क्या आप नोट या नोटों के बंडल गिनती करने के बाद हाथ धोते हैं, तो सिर्फ 3% लोगों ने बोला हाँ और 97% लोग बोल रहे हैं नहीं करके। फिर हमारा अगला क्वेश्चन था, सामान्यतः नोट या नोटों के बंडल गिनती करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, थूक या पानी का, तो फिर सिर्फ 2% लोग बोल रहे हैं कि पानी का यूज़ करते हैं। फिर 98% लोग बोल रहे हैं कि थूक का इस्तेमाल करते हैं। नोट से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए हमने लोगों को 3 ऑप्शन दिया। पहला है प्लास्टिक नोट जिसपे हमने पता लगाया, तो इसमें 35% लोग बोल रहे हैं कि प्लास्टिक मनी। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन था कि नोट या नोटों से गिनने वाली मशीनों में कुछ विशिष्ट चीज़ों का खोज किया जा सके, जिससे कि उसमें नोट में उपस्थित जीवाणु को समाप्त किया जा सके, तो इसमें 18% लोगों ने अपनी सहमति दी। फिर अगला था, थर्ड ऑप्शन था कि कैशलेस ट्रांजेक्शन ऑनलाइन पेमेंट का यूज़ करना, इसमें 47% लोगों ने अपनी सहमति प्रदान की। थैंक यू।